हेलो गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त महिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड। और आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के खोज के इतिहास के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में। माइक्रोस्कोप, जब ये शब्द आता है तो हम सब जानते हैं कि ये क्या होता है, पर क्या आप सब ये जानते हैं कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और किसके किसके हाथ हैं इसे बनाने के पीछे? तो आइए हम जानते हैं हमारे इस नए टॉपिक के द्वारा कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार और इसकी खोज का इतिहास क्या है। 1590 में दो डच स्पेक्टिकुलर बनाने वाले पिता और पुत्र हंस एंड जैक्रियस जेंसन ने पहले माइक्रोस्कोप को बनाया। 1675 में एंटोन वैन लीवेनहॉयक, जिन्होंने कीटाणु और अन्य नमूनों का निरीक्षण कराने के लिए एक लेंस के साथ एक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था। लियोन वॉन हॉयक बैक्टीरिया का निरीक्षण कराने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके बाद 1667 में रॉबर्ट हुक का प्रसिद्ध माइक्रोग्राफ प्रकाशित हुआ है, जिसमें माइक्रोस्कोप का उपयोग कराके हुक के विभिन्न अध्ययनों की रूपरेखा तैयार की थी। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे प्रयोगियों में सुधार हुआ, वैसे माइक्रोस्कोप वैज्ञानिकों के बीच अधिक लोकप्रिय होते गए। ये इस प्रकार की खोज थी कि दो प्रकार के ग्लास के संयोजन वार्णिक प्रभाव को कम कर देता था। 1830 में जोसेफ जैक्सन लिस्टर को पता चला कि विभिन्न दूरी पर एक साथ कमजोर लेंस का उपयोग स्पष्ट आवर्धन प्रदान करता है। 1878 के एक गणितीय सिद्धांत जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य के रिजोल्यूशन को जोड़ता है, उसका आविष्कार अर्नस्ट आबे ने किया था। 1903 में रिचर्ड जेसाइन मॉन्डी ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के आविष्कार किया, जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के नीचे नमूनों को अवलोकन की अनुमति देता है। 1932 के चरण विपरीत माइक्रोस्कोप के फ्रिट्ज ज़ेर्निके के आविष्कार का उपयोग कराके पहली बार परादृष्टिक जैविक सामग्रियों के अध्ययन किया गया। 1938 में चरण विपरीत माइक्रोस्कोप के आविष्कार के ठीक 6 साल बाद अर्नस्ट रुस्का द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसने महसूस किया कि माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का उपयोग करा के रिजोल्यूशन को बढ़ाने दिया जा सकता है। 1981 में 3D स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप द्वारा संभव हुआ, जिसे गर्ड बैनिंग ऑफ एन हैनरिच रोहर ने बनाया था। यूसी बैटले के स्टीवन रुजिन का कहना था कि 1665 में प्रकाशित हुए माइक्रोग्राफिक में जीवी ज्ञानी के गुडसनबर्ग बाइबल से तुलनीय है, जिसमें पारागों का से लेकर कपड़े तक के सूक्ष्म मंडर्शी नामों के पहले के भी विस्तृत आकृतियां हैं। 1000 से कम प्रतियां शेष हैं, लेकिन छवियां आज भी माइक्रोस्कोपिस्ट के प्रेरित करती है। आज एमोस जैसे माइक्रोस्कोपिस्ट दुनिया भर में चिकित्सा और मानव सुविधाओं में व्यापक अनुप्रयोगों के साथ नई तकनीकों का नया रूप देने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये अत्याधुनिक प्रगति 16वीं और 17वीं शताब्दी में निर्मित बहुत पहले सूक्ष्म समदर्शी पर वापस टिके हैं। समय के लिए अत्याधुनिक रहते हुए वे आपको बहुत प्रभावित नहीं करते हैं। ये एक हाथ में अवधारक कांच के तुलना में बहुत मजबूत नहीं है। अमोस इन सब से तब से प्रभावित थे जब उन्हें उनके जन्मदिन पर एक माइक्रोस्कोप गॉज के तौर पे मिला था। सूक्ष्म जगत में उनकी खोज अतार्किक के गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजों की खोज की। छोटा पॉपिंग बुलबुले के भीतर तांबे के टुकड़ों के सुए के प्रकार की तह डालना इत्यादि, यह के साथ खेलना जैसे ये बहुत नरम हो सकता है, ऐसा एमोस का कहना था। वह इस ग्यथाना में अपनी विस्मय का वर्णन करते थे कि ये इस दायरे में खोजा है कि वह अपने आंखों से नहीं देखा सकते। आप ऐसी दुनिया का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें धारणा के समान नियमों को पालन नहीं करता है, ये एमोस का कहना था।
तो ये था हमारे आज का टॉपिक। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल मिक्स माइंड, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।